सोनी टीवी के शो ये उन दिनों की बात है में इन दिनों कहानी काफी इंटरेस्टिंग हो गई है। अर्जुन शेफाली के ब्रेकअप के बाद से नैना मेजर ट्रॉमा में है कि कहीं अगर परिवार वालों ने उसका और समीर का रिश्ता नहीं माना तो वो क्या करेगी, इसीलिए अब उसने समीर से दूरी बना ली है। उधर समीर भी अब नैना से दूर होने के बाद से देवदास सा बन गया है। लेकिन भाई असली ड्रामा शो में तब शुरू होगा जब समीर एक सन्यासी बनने का फैसला करेगा। जी हाँ, एक तरफ तो नैना की शादी का ट्रैक शो में दिखाया जाएगा तो वहीं दूसरी तरफ समीर ले लेगा सन्यास। तो अब चलिए इस ट्विस्ट की डिटेल्स क्या है आपको बताते हैं। दरअसल शो के करंट स्टोरी लाइन के मुताबिक शरद नाम का लड़का नैना को उसके घर देखने आया है। यहाँ नैना और शरद एक दूसरे से अब मिल भी चुके हैं। हालांकि नैना ये उम्मीद कर रही है कि शरद उसे रिजेक्ट कर दे क्योंकि वो शरद को रिजेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होगा। शरद को नैना पसंद आएगी और वो शादी के लिए हाँ कर देगा। अब इसके बाद नैना की शादी की तैयारियाँ शुरू हो जाएंगी, लेकिन जब समीर को इस बारे में पता चलेगा तो वो बुरी तरह से टूट जाएगा क्योंकि नैना को भुलाना उसके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा है। ऐसे में रिपोर्ट्स मिली है कि समीर सारी सुख सुविधाएं त्यागने का फैसला करेगा और सन्यासी बनने के बारे में सोचेगा। अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या समीर की फैमिली उसे ये ड्रास्टिक कदम उठाने से रोक पाएगी। अब क्या करेगी नैना, क्या वो समीर को रोकेगी या फिर वो ये शादी कर लेगी। तो देखते हैं कि समीर के सन्यासी बनने वाले इस ट्रैक में मेकर्स ने क्या ट्विस्ट छिपा कर रखा है।